ओके okay, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेस रिलीज़। ठीक है, प्रेस रिलीज़ बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें मीडिया में देना है उसको हम प्रेस रिलीज़ के थ्रू आगे भेजते हैं। ओके okay? तो प्रेस रिलीज़ बेसिकली अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम यूज़ करते हैं, और इसको वैसे सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में ही यूज़ किया जाएगा। ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज़, कि एक कोई प्रेस रिलीज़ अगर हमें ड्राफ्ट करना है, जैसे ये हमने ड्राफ्ट किया है, एक ये प्रेस रिलीज़ प्राइवेट कंपनी का, ठीक है, और एक ये प्रेस रिलीज़ गवर्नमेंट का। तो इसको ड्राफ्ट करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो 6 बातें हमने यहाँ पे लिखी है। ओके उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या टाइप के प्रेस रिलीज़ हो सकती हैं, तो 4 टाइप के प्रेस रिलीज़ हैं। उसमें एक को बोलते हैं हम प्रेस कॉम्युनिक्स, ठीक है, एक होता है आपका प्रेस रिपोर्ट्स, फिर एक होता है हैंडआउट्स, और एक होता है आपका अनऑफिशियल हैंडआउट्स। ओके तो इन 4ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और 2 हमारे पास ड्राफ्ट प्रेस रिलीज़ भी है, एक प्राइवेट कंपनी का और एक गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये देखते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या टाइप के आते हैं प्रेस रिलीज़ के ऊपर। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेस कॉम्युनिक, ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रेस रिलीज़, ठीक है, वो भी किसका, गवर्नमेंट का। तो ये आपने 5 पॉइंट लिख दिए इधर शॉर्ट नोट्स में। फिर क्वेश्चन आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेस नोट्स, तो प्रेस नोट पे लिख दिया। अभी फिर है क्वेश्चन आ गया आपके पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गाइडलाइन फॉर ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज, तो गाइडलाइन फॉर ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज़ आ गया, ये लिखना है। इसी तरह आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप हैंडआउट्स के ऊपर लिखो और या अनऑफिशियल हैंडआउट्स के ऊपर लिखो। ठीक है, हैंडआउट्स और अनऑफिशियल हैंडआउट्स आपका प्रैक्टिस मैनुअल में कवर्ड नहीं है, स्टडी मटेरियल में है, तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा शॉकिंग लगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़्यादा आदत होती नहीं है बच्चों को, तो इसको ठीक से कर जाना। इंस्टीट्यूट बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब चीज़ें भेज सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक आपको ड्राफ्ट प्रेस रिलीज़ बनाने को आया हुआ है, वो ड्राफ्ट प्रेस रिलीज़ बनाएंगे। ठीक है, वो देखेंगे कैसे बनता है प्रेस रिलीज़, कि प्राइवेट कंपनी के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ताकि फॉर्मेट आपको पता रहे। बस इतना ही आना है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना गाइडलाइन से फॉर ड्राफ्टिंग है प्रेस रिलीज़। तो प्रेस रिलीज़ क्या होता है, आप कुछ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कहाँ पे, मीडिया में। तो पहला पॉइंट ही यही है कि आपका प्रेस रिलीज़ वर्थ वाइल मटेरियल कंटेन करे जिसके कुछ न्यूज़ वैल्यू हो। ठीक है, दूसरा मीडिया में जाता है तो इट शुड बी रिटन इन अ जर्नलिस्टिक स्टाइल। ठीक है, और फिर तीसरा ये है कि जितने भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रीडर वो कवर होने चाहिए, और कुछ भी उसमें लूज एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रेस रिलीज शुड बी ऑन ए सब्जेक्ट जो कि इन रिसेंट न्यूज़ में है। कोई पुरानी बात के ऊपर प्रेस रिलीज निकालने का कोई मतलब नहीं है, लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ओके, कवर ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट बस उसी का एक्सटेंशन है कि भाई कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए और लेंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बैकग्राउंड मटेरियल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मुद्दे की बात है वो बताओ, उसका बैकग्राउंड क्या है बात का वो नहीं बताने की ज़रूरत। ठीक है, 5th, इंट्रोडक्शन और लीड शुड बी इन अ समरी फॉर्मेट एज इट इज़ अ न्यूज स्टोरी, तो जो इंट्रोडक्शन है डेट शुड बी इन अ समरी फॉर्मेट एज इट इज़ अ न्यूज स्टोरी। ओके, और 6th पॉइंट में उसका हमने थोड़ा सा फॉर्मेट बताने की कोशिश की है कि द रिलीज शुड हैव ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो 6th पॉइंट में हम कुछ फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर प्रेस रिलीज इमिनेट्स इज गिवन ऑन द टॉप, तो सबसे टॉप पे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा,
डेट एंड प्लेस होगा आपका टॉप राइट साइड पे, देखो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट और प्लेस आपका टॉप राइट साइड पे, ये ऑन द टॉप आ गया। उसके बाद द रिलीज शुड हैव ए टाइटल एंड अ सब टाइटल ऑल्सो इफ नेसेसरी, तो टाइटल और सब टाइटल होना चाहिए। तो ये आपका टाइटल हो गया, अनदर ईयर ऑफ स्टेरलिंग परफॉर्मेंस। इट शुड हैव ए सुटेबल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना बहुत ज़रूरी है, और अभी हमने यहाँ पढ़ा भी था कि वो एक समरी फॉर्मेट में होना चाहिए एज इट इज़ ए न्यूज स्टोरी। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड टर्नड आउट अनदर स्टर्लिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर 12-13 एक्सीडिंग ऑल इट्स प्रीवियस अचीवमेंट एंड टचिंग न्यू हाइट्स ऑफ ग्रोथ। तो देखा आपने, थोड़ा न्यूज स्टोरी के तरीके से इन्होंने लिख रखा है। ओके, इन द केस ऑफ रिलीज फ्रॉम नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफिशियल हो गए, ऑफिशियल हो गई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफिशियल हो गई आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इट इज़ डिजायरेबल ऑल्सो टू मैंशन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द रिलीज एंड हिज टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे जैसे ABC जो भी आदमी अपना प्रेस रिलीज कर रहा है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और यहाँ पे उसका एक मोबाइल नंबर भी दे दो। ओके, तो ये गाइडलाइंस है हमारी फॉर ड्राफ्टिंग ए प्रेस रिलीज। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार इसको हम फिर से सम अप कर लेते हैं। गाइडलाइन फॉर ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कुछ वर्थ वाइल मटेरियल हो जिसकी कुछ न्यूज़ वैल्यू हो, ठीक है। और कैसे लिखना है इन्हें, जर्नलिस्टिक स्टाइल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो रीडर के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ओके, कवर ऑल एस्पेक्ट्स, लूज एंड नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। और इट शुड बी ऑन ए सब्जेक्ट विच इज़ इन रिसेंट न्यूज़, सब्जेक्ट रिसेंट, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट विच इज़ इन रिसेंट न्यूज़, ठीक है। अगला, जो रिलीज है वो लेंदी नहीं होना चाहिए, वो कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए, और बैकग्राउंड मटेरियल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, डेट शुड बी इन अ समरी फॉर्मेट एज इट इज़ अ न्यूज स्टोरी। इंट्रोडक्शन या लीड, दिस शुड बी इन अ न्यूज फॉर्मेट एज इट इज अ स्टोरी। ओके, और सिक्स पॉइंट है आपका फॉर्मेट। तो इन्होंने आपको बताया टॉप पे आपका क्या होगा, हेडिंग, राइट टॉप पे क्या होगा, डेट एंड प्लेस। ओके, और एक टाइटल और सब टाइटल भी हो सकता है, फिर टाइटल सब टाइटल इफ एनी। और सुटेबल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सुटेबल
सुटेबल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और एंड में क्या चाहिए, अगर नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर डेजिग्नेशन और नंबर। देखो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्या डेजिग्नेशन और नंबर देने की ज़रूरत है? नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एंड में कुछ भी नहीं दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी का प्रेस रिलीज है, वहाँ बंदे ने अपना डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया टॉप पे आपका कंपनी का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन टॉप, टॉप पे हेडिंग में कंपनी का नाम। ठीक है, और टॉप राइट साइड पे डेट एंड प्लेस, फिर आपका यहाँ पे टाइटल आ गया, कोई सब टाइटल है वो भी दे दो, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दे दिया, फिर कंटेंट था वो तो था ही, एंड में आपने नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर दे दिया। क्लियर है? तो गाइडलाइंस हमारे यहाँ पे हो गए। अगर एग्ज़ाम में आया आपका 4 मार्क का, ये 6 पॉइंट लिख के आ जाना, अच्छा स्कोर मिलेगा। एज इट इज़ जो आपका स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पे उठाया है। ओके, तो पूरा स्कोर मिलेगा, इसको टेंशन फ्री याद करके लिख दो। याद करने के लिए मैंने आपको ये थोड़े से शॉर्ट नोट्स बताए हैं, इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और इनको रीड करो, पढ़ो, बार बार रिवाइज करोगे तब दिमाग में बैठ जाएंगे। चलो अब हम ये देखते हैं कि क्या टाइप के प्रेस रिलीज़ हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो 4 टाइप के प्रेस रिलीज़ हो सकते हैं। द प्रेस रिलीज कवरिंग न्यूज़ इन द केस ऑफ गवर्नमेंट आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, प्रेस कॉम्युनिक्स, प्रेस नोट्स, हैंडआउट एंड अनऑफिशियल स्टोरीज और अनऑफिशियल हैंडआउट्स। ठीक है, तो प्रेस कॉम्युनिक और प्रेस नोट तो आपका एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आया हुआ है, हैंडआउट और अनऑफिशियल का अभी तक नहीं आया हुआ, मई 17 तक आगे आ गया तो देख लेंगे, आपके इसमें नोट्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन करके आपको सब कुछ जाने, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पीछे एग्ज़ाम में नहीं आया तो अब नहीं आएगा, उल्टा जो चीज़ पीछे एग्ज़ाम में नहीं आई उसके तो चांसेस और बढ़ जाते हैं अब आने के। ठीक है, तो प्रेस कॉम्युनिक्स इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। द प्रेस कॉम्युनिक्स आर इशूड व्हेन सम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन और अनाउंसमेंट आर मेड, सच एज कैबिनेट अपॉइंटमेंट, कंक्लूजन ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज विजिट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो अब जब कभी कोई इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट काम होता है, जैसे कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लिया किसी कंट्री के साथ, ओके, या किसी कंट्री US का प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहा है, या हम लोग हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो जा रहे हैं US विजिट पे, ठीक है, या कैबिनेट में कोई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई मिनिस्टर चेंज हो गया, मान लो लॉ का जो मिनिस्टर है वो चेंज हो गए या पावर के मिनिस्टर वो चेंज हो गए, तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट न्यूज़, ये प्रेस कॉम्युनिक्स में कवर्ड होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता है। ओके, तो पहला पॉइंट है आपका, प्रेस कॉम्युनिक्स आर इशूड व्हेन सम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन और अनाउंसमेंट। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कैबिनेट अपॉइंटमेंट, कंक्लूजन ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज विजिट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तब होगा। ओके, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन है तो ये फॉर्मल होगा। इट कैरीज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड द प्लेस एंड इन द प्लेस द डेट एट द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द रिलीज। अच्छा, ये तो प्रेस नोट है, ये प्रेस नोट का एग्जांपल है, मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रहा था, तो प्रेस नोट का जो यहाँ पे हमने लिख रखा है तो तब हम देखेंगे प्रेस नोट का एग्जांपल। अभी बस ऐसे लिख लो क्या क्या जिसमें चाहिए, नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, प्लेस एंड द डेट, ठीक है,
एट बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर हो गया आपका रिलीज, जैसे ये हो गया, ठीक है। नेम ऑफ द मिनिस्ट्री तो यहाँ आ जाएगा आपका, और प्लेस और डेट आएगा बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये हो गया आपका बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, प्लेस और डेट, ठीक है। उसके बाद जर्नली द प्रेस इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस द प्रेस कॉम्युनिक विदाउट एनी सब्सटेंशियल चेंज। तो ये जो हमने मीडिया को दिया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, इन सबको, जितने भी प्रिंट मीडिया, हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर होते हैं, दैनिक जागरण वगैरह, तो ये सब एज इट इज़ इसको प्रिंट करेंगे, इसके अंदर छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रेस हो गई मीडिया, जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, मिंट, दैनिक जागरण हो गए, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस द प्रेस कॉम्युनिक विदाउट एनी सब्सटेंशियल चेंज, और नो हेडिंग और सब हेडिंग इज़ गिवन। तो यहाँ पे कोई हेडिंग या सब हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो 5 पॉइंट हो गए, लिख लेते हैं एक बार इनको भी। प्रेस कॉम्युनिक्स, ठीक है, पहला पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन या अनाउंसमेंट, इसमें कवर होता है, उसके एग्जांपल दे दिए, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा ये फॉर्मल होता है, फिर आपने बताया इसमें नेम ऑफ मिनिस्ट्री आता है ऑन टॉप, और प्लेस एंड डेट आता है आपका, प्लेस एंड डेट आता है एट लेफ्ट बॉटम, फिर उसके बाद आपने कहा जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, वो एज इट इज रिलीज करती है विदाउट एनी सब्सटेंशियल चेंज। ओके और लास्ट आपने कहा इसमें कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती। क्लियर है? तो ये 5 बातों का आपको ध्यान रखना है प्रेस कॉम्युनिक को ड्राफ्ट करते टाइम, और अगर शॉर्ट नोट आया तो ये 5 बातें आपको लिख के आनी है। ओके आगे देखते हैं अगला है अब हमारा प्रेस नोट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है प्रेस नोट इज़ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ प्रेस रिलीज यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक कैटेगरी है ऑफ प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, ये तो हमें पता ही है कि ये कैटेगरी है, ठीक है। दे आर लेस फॉर्मल, ठीक है। दे आर इशूड ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, मैटर किस तरह के, जैसे रेजिंग और लोअरिंग ऑफ टैरिफ रेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कोई कानून में बदलाव आ रहा है तो उसके लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं प्रेस नोट। द प्रेस नोट्स आर ऑल्सो, द प्रेस नोट ऑल्सो कैरीज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड प्लेस एंड डेट एट बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग आर गिवन इन प्रेस नोट। अब हम प्रेस नोट का अपना फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे ये प्रेस नोट हो गया, ठीक है। प्रेस नोट नंबर ये रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये फिर उनका कोई रेफरेंस नंबर आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, प्रेस नोट, डेट आ गई। ओके यहाँ इन्होंने कहा है प्लेस एंड डेट एट द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, तो इस हिसाब से तो आपका यहाँ पे ये आएगा प्लेस, जैसे न्यू दिल्ली, और डेट
30 जुलाई 2015। तो आप इसको यहाँ से हटा दो, ये फॉर्मेट आपका स्टडी मटेरियल से लिया था तो ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे डेट, जब इन्होंने इधर बोल रखा है कि डेट और प्लेस एंड डेट आपका बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आएगा, तो बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ही हुआ लेफ्ट साइड और बॉटम। ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग आर गिवन, तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है। ओके, बस तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है आर इशूड ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स एग्जाम्पल रेजिंग और लोअरिंग ऑफ टैरिफ रेट एक्सेट्रा, तो ये इशू हुआ था बिकॉज ऑफ सिंप्लीफाइड एग्जिट स्कीम 2005 एक्सटेंशन ऑफ स्कीम बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो इन्होंने कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कर रखी थी कंपनीज एक्ट में कि किसी कंपनी कोई कंपनी जो अपनी फाइलिंग नहीं कर रहा हो आरओसी के अंदर काफ़ी टाइम से और उसको अपना नाम हटवाना है आरओसी से, तो उसको कुछ टाइम दे रहे थे कि बिना फाइन और पेनल्टी के वो अपना नाम रजिस्ट्रार से हटवा सकते हैं। तो वो स्कीम जो चलाई गई थी उसको 1 महीना और एक्सटेंड किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये प्रेस नोट है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। In order to give an opportunity to defunct companies desirous of getting their name struck off from ROC under the Companies Act 1956, ये पुराना है, अब तो 2013 आ गया है Companies Act, तो ये एक ऐसी बस ड्राफ्ट है, इसको आप एज ए एग्जाम्पल रीड कर लो, ठीक है, और इसको सीरियसली नहीं लेना। अब जो भी आपको एग्ज़ाम में अगर लिखने को आए, ड्राफ्ट बनाने को आए, तो अपना कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बनाना। ओके, सो थ्रू अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम नेमली, ये गवर्नमेंट की स्कीम है YDA सर्कुलर नंबर, ये डेट, और ये स्कीम इफेक्टिव थी 1 फरवरी से 31 जुलाई तक। ठीक है, तो पहले तो ये बताया कि क्या चीज़ के लिए बात हो रही है। अब यहाँ देख के समझ में आ गया कि भाई इस तरह एक स्कीम आई हुई थी ये तारीख से ये तारीख तक, और वो स्कीम अब फिनिश होने जा रही है। तो अब इन्होंने कहा ऑन अकाउंट ऑफ डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, तो कह रहे इंडिया में थोड़ा वेदर कंडीशन ख़राब थी, तो उस चक्कर में इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्कीम बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो 1 महीना हम स्कीम को और एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि टू अफोर्ड फर्दर अपॉर्चुनिटी, तो ताकि डिफंक्ट कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। तो जिस जिस डिफंक्ट कंपनी ने अभी तक इस स्कीम को अवेल नहीं किया वो अभी भी कर सकते हैं, उनके पास 1 महीने का टाइम और है। ठीक है, और कॉपी ऑफ दिस प्रेस नोट हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन द वेब पेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, तो ये कह रहे हैं MCA जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, तो MCA की वेबसाइट पे भी इस प्रेस नोट का एक कॉपी दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ का प्रेस नोट है, एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम। ऐसी प्रेस नोट हो सकता है, मान लो आपकी वैट की रिटर्न बढ़ जाए, GST की रिटर्न बढ़ जाए, ठीक है, GST फाइलिंग की जो ड्यू डेट है अगर उसको एक्सटेंड कर दे, तो इस तरह से एक प्रेस नोट गवर्नमेंट रिलीज करेगी। ओके, तो प्रेस कॉम्युनिक्स को अगर मैं प्रेस नोट्स के साथ कंपेयर कराना चाहूँ, तो यहाँ पे लिखा था इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन एंड अनाउंसमेंट, लेकिन प्रेस नोट आपका यूज़ होता है ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर जैसे रेजिंग और लोअरिंग ऑफ टैरिफ या एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट, यहाँ लिख लो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट। Issued on important matters, ठीक है, ये फॉर्मल करेक्टर का होता है, ये थोड़ा लेस फॉर्मल होता है। यहाँ पे कह रहे नेम ऑफ मिनिस्ट्री प्लेस एंड डेट आएगा लेफ्ट बॉटम पे, तो प्रेस नोट ऑल्सो कैरी द नेम ऑफ मिनिस्ट्री, तो ये चीज़ तो इधर भी है। ठीक है, प्रेस इसको एज इट इज रिलीज कर देता है, ये पॉइंट हो गया, तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दे रखा हमें प्रेस नोट में। हेडिंग और सब हेडिंग आर गिवन इन प्रेस नोट,
हेडिंग और सब हेडिंग प्रेस कॉम्युनिक में नहीं देते, लेकिन यहाँ पे देते हैं। ओके, और एक पॉइंट और था, प्रेस नोटिस वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ प्रेस रिलीज यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट तो आप प्रेस कॉम्युनिक्स में भी यूज़ कर सकते थे, प्रेस कॉम्युनिक भी एक कैटेगरी है प्रेस रिलीज का, विच इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, दिस कुड बी यूज्ड इन बोथ द थिंग्स। तो एक जो मोटा मोटा डिफरेंस है, ये लेस फॉर्मल है, यहाँ हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैटर जिस तरह किस तरह कि एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट या टैरिफ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं वो सब आते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जैसे कैबिनेट में कोई मंत्री चेंज कर दिया, कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा यूएस जा रहा है विजिट करने, या यूएस का कोई प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आ रहा है विजिट करने, वो सारी चीज़ें प्रेस कॉम्युनिक्स में बताई जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्रेस नोट्स। ओके, अब हैंडआउट्स और अनऑफिशियल हैंडआउट्स और प्रेस रिलीज का ये फॉर्मेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।